नेता जी, आज आपका बड़े आए हुए हो, क्या प्रोग्राम है? ऐसे मैं भोले शंकर के दरबार में उनको प्रणाम करने आया था। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यशपाल जी, सौरभ जी, गौ सेवक हैं बहुत, वो सब टीम के साथ में पंडित जी ने हमारी पूजा अर्चना कराई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज से 3 दिन पहले सऊदी अरेबिया ने तालिबानी तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया। सऊदी अरेबिया इस्लाम का गढ़ है, जहाँ मक्का मदीना है। जब वहाँ तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लग सकता है, तो भारत में देवबंद जो तबलीगी जमात की जननी है, जो आतंक की जननी है, वे आतंक की जननी पर प्रतिबंध क्यों नहीं? हमारी मांग है भारत सरकार से कि वो तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाए। तबलीगी जमात माने अफगानिस्तान की सरकार को उखाड़ने वाली तलवार लेकर और दीन इलाही और इस्लाम की बात करने वाली, ये तबलीगी जमात। ये तबलीगी जमात का सेंटर देवबंद, दारुल उलूम देवबंद में है, जहाँ से ओसा बिन लादेन पढ़ के गया था, जो 16 आयतें पढ़कर 72 हुरें जिनको चाहिए, अगर जिंदे रहे तो सत्ता मिलेगी अफगानिस्तान की, मिलेंगी और एक एक हूर बड़ी सुंदर होगी। इस संकल्प के साथ में तबलीगी जमात और भारत का इस्लामिकरण करना चाहती है। अगर हमें अपनी पीढ़ी को बचाना है, हमें अपने देश को बचाना है, तो हमें धर्म योद्धा का संकल्प लेकर खड़ा होना पड़ेगा। हर हर महादेव की तरह रुद्र रूप में फिर से हमें इस्लाम की जड़ में तेल देना पड़ेगा। तेल से मुसलमान डरता है मेरे भाई, क्योंकि जब उसके बदन में आग लगती है तो उसको 72 हुरें नहीं मिलेंगी। तो इस्लाम को उखाड़ना है तो जलाने का काम करो तबलीगी जमात को। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।